अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फरहान अली और आप देख रहे हैं एफए एनिमेशन। अलादीन के लेक्चर की सीरीज में हमारा फिफ्थ ट्यूटोरियल है, ठीक है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम आगे का जो पार्ट हमारा रह गया था अलादीन के हिस्से का, जिसमें भी फोर्थ लेग्स आर्म, ये हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ओके। सो अगर आपने सब्सक्राइब पहले से ऑलरेडी किया हुआ तो बहुत बहुत शुक्रिया आप भाइयों का, ठीक है। तो चलिए वीडियो की जान जाते हैं। सो ये हमने बना लिया था, ओके। हम लग की तरफ मूव किया हुआ था हमने, सो जो हमने यहाँ पे छोड़ दिया था, तो ये हमने पकड़ा हुआ है, तो आर से रोटेट, ठीक है, ओके परफेक्ट। तो हमारी ये आई थिंक ये है, ओके। सो ये हमारा जो गोल्डा है, आप अपना अपनी पैंट थोड़ी सी गोल्डे तक की आपने सलवार पहनी है तो उठा के देख लें कैसा है, ठीक है। तो हम डिटेलिंग में तो नहीं जा रहे, सिंपल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से छोटा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे थोड़ा सा मोटा हो जाता है ये वाला, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एस एक इसे छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये आई थिंक ऐसे ही होगा, या फिर एस एक्स, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, एस एक्स थोड़ा सा, ओके। देखिए जो मिडिल वाला, आई थिंक ये ऐसे होता है, ओके। हम क्लोज भी करते जाएंगे, ठीक है। अगर आप ना भी बनाएंगे तो चल जाएगा, क्योंकि ये इसके अंदर की तरफ हो रहा है। देखिए सिंपल बेसिक हमारा जो है वो लग की शेप है, वो रह गया, ठीक है। एक और बात के ये जो है एस स्केल होगी जी एस लिटिल बिट, ठीक है। सो ये ऐसे या, ओके। यहाँ से आप गौर कीजिएगा, थोड़ी सी टेढ़ी ही होती है, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा लग जाए तो कम कर लेना, मुझे ठीक लगता है जी एक्स का परफेक्ट। तो सिंपल जो बेसिक है वो हमारी लग वो रेडी है, ठीक है। अब यहाँ पर लूप कट लगाएंगे, ये थोड़ा सा एस स्केल होगा ऐसे, गुड। यहाँ पे कब, जैसे कि मैंने कहा था आपको, जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे तीन लगना है, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। सो सिंपली पहले तो ये जो अंदर के तरफ ये गए हुए हैं, डबल दोनों बगैर डबल जी इस साइड पर काम नहीं कर रहा, कर रहा है, ओके, ठीक है। कंट्रोल 1 चेक कर ले, हाँ। अब ये देखिए जो आ रही है बिल्कुल सी क्यों आ रही है, जैसे कि मैंने कहा था ये इससे दूर ही रखा था, ठीक है। कोई मसला नहीं, क्या करते हैं ऐसे ही रहेंगे, कंट्रोल टैब प्रेस करके कट में आएंगे, शिफ्ट ऐसे स्मूथ टूल्स है, स्मूथ ब्रश है ये वाला, टी प्रेस करेंगे टूल बार ऑन हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट वाला, ठीक है। सिंपली ऐसे ब्रश छोटा करेंगे और यहाँ पे स्मूथ कर लेंगे, ठीक है। अगर आपका ऐसा नहीं हो रहा तो आप सिंपली क्या करें, पहली बात तो हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, वापस जाएंगे कंट्रोल 0 से एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है, हो गया, ओके। एक और भी यह है कि सभी को पकड़ेंगे राइट हो, ठीक है, तो स्मूथ हुआ अटैक, ये तो स्मूथ हो जाएगा, ओके। बट ये सारा स्मूथ हो जाता है, सारा स्मूथ नहीं चाहिए, लाइक ये देखें ऐसा था तो ऐसा बना दिया, ये स्मूथ है, ये विदाउट स्मूथ है, ठीक है। सो हमें आई थिंक जी स्मूथ कर लेना चाहिए, ठीक है, वही बेटर रहेगा। ओके, वैसे स्मूथ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें, इस मसला भी स्मूथ वैसे चेंज हो रहा था, क्योंकि एक तो लो पॉली है इस वजह से, ठीक है।
बस यही हो जाए। ओके सो गुड। यहाँ तक आई थिंक हमारा कोई आपने प्रॉब्लम फेस नहीं की होगी, क्योंकि तो मैं इतना स्मूथली चल रहा हूँ, हर एक चीज बता रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर 3 लुकपैड लाना चाहिए, यहाँ पर लुकपैड लगाएंगे। ठीक है, तो राइट लुक टू सर्कल, सर्कल नॉट सर्कल। तो यहाँ तक ठीक है, बाकी जो हम थोड़ा बहुत है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा बहुत सेम है। ठीक है, तो हम वो उस पर चेक करेंगे। ठीक है, सिंपली जी से ग्रैब टूल, ग्रैब ये वाला। ठीक है, जी से जैसे भी होल्ड करेंगे, इस पे आपकी कीज नजर आ जाएगी, जैसे लिखा हुआ है देखें, इस पे कीज जी की। ठीक है, एंड पे जी, तो इसकी की है जी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जी से ग्रैब कर लेंगे, और जैसे हम सेव चाहिए की। तो आई थिंक गुड। सो हम यहाँ पे हमने कितने लुकपैड लगा लिया, 1 2 3, तो 1 2 3, 1 तो 3 ही है, जॉइंट यहाँ पे आ रहा है, लेकिन तो हम यहाँ पे लुकपैड लगा देते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी लुकपैड लगा लेंगे, छोड़ देते हैं। ओके परफेक्ट। तो हमारा सिंपल जो है वो बॉडी रेडी और तकरीबन रेडी हो ही गई है। ठीक है, ये वाला जो है, ये थोड़ा सा होगा। ओके, हाँ अब जो हिप की बात की थी मैंने, ये हिप है जो वो यहाँ से हमारी बहन कैसे बनी हुई है, डबल जी से करते हैं यहाँ पे। अगर नहीं भी जाते तो हमारा क्या, यहाँ से जुड़ा होना चाहिए। क्या करेंगे, यहाँ से नाइफिल का यूज करेंगे, इसे पकड़ेंगे, इसे पकड़ेंगे, वन फिल कर देंगे। ठीक है, तो देखें प्रॉब्लम है आएगी, ये ट्राइंगल बन गया, तो हम ऐसे ही रहने देंगे इसे। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे इसके लिए, सो स्कल्प मूड। ठीक है, सिंपली करके से हल्का सा स्मूथ करेंगे। ठीक है, ताकि वर्टेक्स है वो सही बैठ जाए गलाई की शेप में। ठीक है, परफेक्ट। अब जी से ग्रैब टूल ऑन कर लेंगे, देन ज्यादा नहीं है, इतना ही है। ठीक है, क्योंकि पीछे इसके वो आ जाएगा, जो इसमें पहनने वाला लुंगी भी। ठीक है, सो आई थिंक परफेक्ट है। और यहाँ से थोड़ा सा नाइस। ठीक है, ये लाइंस आपको लो पॉलिटी नजर आ रही है वाले। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, जैसे हम सब्जी लगाएंगे भटक जाएंगे, लेकिन बाद में स्मूथ हो जाएगी। ओके, तो इसकी टेंशन ना लीजिए, परफेक्ट। सो हम इसे इधर आएंगे, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देंगे, इधर आए, इधर आए इस टूल में। ठीक है, ओवरले में इधर आए, उसके बाद एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा जो चीज़ें वो हाइड हो जाएंगी। ठीक है, Ctrl 1 से बैक व्यू पे आएंगे। ठीक है, 1 से फ्रंट व्यू पे, Ctrl 1 से बैक व्यू पे, उसके ऑपोजिट। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे हमारी लाइंस की जो ब्लिंकिंग सी आ रही थी। ठीक है, तो हम डबल जी से पहले इसे डाउन कर लेते हैं। ठीक है, इसे भी डाउन कर लेते हैं, तो ये तो डाउन हो गई होगा। ओके, तो डबल जी से अगर ऐसे कर देंगे, ऐसे करने का इशू होगा, कंट्रोल आने देते हैं। अब हल्का सेट हो रहा है ना, आप कंट्रोल किया, तो ये क्या होगा हमारा, ऐसे होगा, ये अंदर की तरफ होगा, ये भी ऐसे होगा, एंड ये भी ऐसे होगा। आपने हर एंगल से चेक करना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पिछले लेक्चर में भी आपको मैंने बताया है। अगर आप हर एंगल से नहीं चेक करेंगे तो मॉडल आपका अच्छा नहीं बनेगा, तो फिर मुझे कमेंट ना कीजिएगा। सही है, आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, अगर आप स्किप कर देंगे तो बना तो लेंगे, लेकिन आपको बाद में प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती जाएगी मैं आपको बताता जाऊंगा, अगर प्रॉब्लम नहीं भी आती तो वो भी मैं बताता जाऊंगा, प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, कैसे नहीं आए आ सकती। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो परफेक्टली देखिए, यहाँ से हमारा बिल्कुल अब ठीक हो गया, थोड़ा सा है अभी। ठीक है, सो ये देखें, इसकी वजह से क्योंकि ये ऊपर ऐसे जा रही है, तो
इसमें बस ये कवर हो जाएगा अंदर, ठीक है। तो अगर आप ये करना चाहते सिंपली क्या है, यहाँ पे पहले लुककट लगाए, लगा लिए लुककट, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, एक इतने को पकड़ेंगे, सॉरी एक इतने को अनहाइड कर देंगे, ठीक है। सो एक्स एंड एडजस्ट रिमूव कर देंगे, अभी इन दोनों को पकड़ेंगे, माइस टू सेंटर करेंगे। अब देखें हमारे पास बेंसिल नहीं आ रही, देखिए अभी नहीं आ रही है, यहाँ से आ रही है, ठीक है, क्योंकि अभी ये उभरेगा यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली बन गया है। सो यहाँ से कंट्रोल 0 1, ये तो हमारा ऑलरेडी सही पड़ा था, कोई बात नहीं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से लूप टूल लगा देंगे, ठीक है। तो परफेक्ट, देखिए यहाँ पे 3 एंगल बन गए, ट्रायंगल बन गया। तो मैंने स्टार्टिंग में आई थिंक बताया था कि एक दो लग भी जाए तो कोई मसला नहीं होता, ठीक है। अगर आप ज्यादा लगाएंगे तो वो इश्यू करेगा, ठीक है। हाँ, अगर आप 4x4 का लेके जा रहे हैं तो कोशिश करेंगे 4x4 का लेके जाएं, अगर ट्राइंगल लेके जाए तो कोशिश करें ट्राइंगल लेके जाए, ठीक है। अगर आपको ट्राइंगल चाहिए आपने 4 बना लिया तो सिंपली एक से सिलेक्ट करें, देन कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ट्राइंगल ऑटोमेटिकली आपके पास जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसका वापस जाने का कोई तरीका नहीं, वापस जाने का या सिर्फ कंट्रोल जी, ठीक है, बैक, और इसका कोई क्वेश्चन की वगैरह नहीं है, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है, ओके। सो परफेक्ट, ये थोड़ा सा जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ से ब्लिंकिंग आ रही है, ये वाली थोड़ा सा अंदर की तरफ महसूस हो रहा है, इस वजह से तो जी वाई बाहर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो जी वाई सिंपली परफेक्ट, आई थिंक यहाँ तक कोई इशू यहाँ से भी आ रहा है। तो कोई बात नहीं, डबल जी सिंपली क्या करेंगे, डबल जी से डबल जी ना भी यूज करते हम ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। तो एकदम सिंपली से ऐसे करेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे, हम डबल जी से ऐसे करेंगे, ठीक है। आई थिंक अब नहीं आएगा, तो टी से मूव कर लेंगे ऐसे, ओके कंट्रोल वन, हाँ परफेक्ट, अब नहीं आ रहा है ना, यहाँ से ये थोड़ा सा आ रहा है, ये देखते हैं। तो क्योंकि हमने यहाँ से भी अभी ड्राइव करना है बाहर की तरफ, तो ये देख रहे हैं यहाँ से इसी हो रहा है, ओके। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपने लेक्चर का कोई भी सीन मिस नहीं करना, ठीक है, वरना आप अगेन से वीडियो देखना पड़ेगी या आप कमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो अगर आप सीख रहे हैं कोई अच्छी सी स्किल तो उसे ध्यान से सीखें, ठीक है। तो हाँ ओके परफेक्ट, परफेक्ट बन गया। अब यहाँ से जो है ये थोड़ी सी गुलाई बनेगी, ओके। तो हम यहाँ से इधर आएंगे पहले तो, ठीक है, वाई फ्रेम वर्क लगे ताकि यहाँ से हमें दिखता रहे और हम स्मूथली से स्मूथ कर पाए, ओके। आपको नहीं समझ लगे तो बताता हूँ वापस से, अगेन वापस से इधर आएंगे ओवरलेज में, ठीक है, क्लिक करेंगे वाई फ्रेम वर्क, जहाँ पे जियोमेट्री लिखा हुआ है उससे वाई फ्रेम है, इसे आपने इनेबल कर देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपकी जियोमेट्री है जो इस वो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे स्मूथ करना तो स्मूथ हो रही है, ठीक है। अभी तो कितनी अच्छी कूल लग रही है हमारी जीमेट्री, ठीक है। सो यहाँ तक परफेक्टली हमारा मॉडल रेडी है, ठीक है, इसमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं आएगा, ठीक है। अगर आ भी जाता है तो हम उसे फेस करेंगे इंशाल्लाह, तो अभी चीज हम स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये थोड़ा सा पिंच में बना हुआ है, ठीक है, सिर्फ जी से ग्रैब टूल ऑन करके ऐसा कर लेंगे, ठीक है। सो परफेक्ट, नाइस, ये थोड़ा हाँ परफेक्ट, हाँ यहाँ से जो जाते तो वो गुल्लाई की तरफ होंगे, ठीक है। ये तो या परफेक्ट,
यहाँ तक हमारा परफेक्टली जो मॉडल है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, सो वापस आएंगे इससे मैथ्री में। ठीक है, आई होप आप सेव कर देंगे फाइल को साथ साथ। ठीक है, सो हमारा यहाँ तक लेग्स जो है वो बन गई है। ओके, तो ठीक है, जिसको इधर आएंगे एक्स्ट्रा को इनेबल, सॉरी एक्स्ट्रा को इनेबल कर लेंगे। ठीक है, ताकि जो हमारी जो है हाइट के लिए वापस आ जाए। अब सिंपली क्या करेंगे, P6 शूट करेंगे। ठीक है, S Y 0 जैसे कि हमने जेड एक्सिस पे यहाँ से किया था। ठीक है, सो हो गया। फिर राइट लुक सर्कल परफेक्ट। तो यहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है, ये वाले जो पॉइंट है वो इधर आने चाहिए। ठीक है, और ऐसे होना चाहिए। तो हम सिंपली ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, परफेक्ट। लेकिन फ्रंट पे इसका ऐसे है। ओके, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। तो हम क्या करेंगे, लुक कंट्रोल 0 गेन, एंड देन ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा वाला, तो आर एक्स। ठीक है, ऐसे परफेक्ट। यहाँ से थोड़ा सा बैक होगा जैसे कि मैंने कहा। ठीक है, बैक ले लेते हैं आर फॉर ओवर रोटेट। पहले तो हम एस जी स्केल कर लेते हैं छोटा सा, देन रोटेट करते हैं, देन ग्रैब करते हैं। ओके, ये लाते हैं परफेक्ट। यहाँ पे लुक पड़ लेगी तो ये यहाँ पे ग्रैब हो जाएगा। ओके, तो सिंपली ई से एक्सक्लूड करेंगे, एस को स्केल करेंगे, जी को ग्रैब करेंगे, देन एस को स्केल करेंगे। ठीक है, तो देन लगा देते हैं। ओके ओके परफेक्ट परफेक्ट। देखें ये जो मॉडल बना हुआ है ये वाला, ये सिंपली क्या किया मैंने, ऐसे लेके आए क्योंकि ये 3D में है। ठीक है, और ये जो है ये भी है तो 3D में, लेकिन ये लो पॉली में बना हुआ है। ठीक है, वो थोड़ा सा इससे हाई पॉली में है, ये इसमें ऐसे आ रही है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड है जैसे मर्जी बना लें। ठीक है, बट हम सिंपल बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये जा रहा है वैसा भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, तो वो भी हम बना देंगे। ठीक है, तो ई फॉर एक्सट्रूड, एस फॉर स्केल, जी फॉर ग्रैब, देन एस फॉर लोअर स्केल। ठीक है, सो परफेक्टली यहाँ पे बैठना चाहिए इधर, तो फ्रंट पे आना चाहिए इधर। ठीक है, तो ये इमेज का मसला है थोड़ा सा। ठीक है, तो अपने घबराना नहीं। ठीक है, या तो फ्रंट से एडजस्ट कर लिया, राइट हम फ्रंट से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो इधर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लुक पड़ लगी। ठीक है, इसके तो मसल हैं। ठीक है, उसके लिए तो सिंपली हम इसे पहले हटा देंगे। ठीक है, एस को स्केल करेंगे, जी को ग्रैब करेंगे, डाउन इधर आ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नजर आ गया, आपने ये चीज बनानी है तो। ठीक है, अगर नहीं बनाए तो सिंपली आप ऐसे जाते हैं तो कोई मसला नहीं। ठीक है, देन एस एंड वाई परफेक्ट। देन यहाँ पे लुक पड़ लगेगी एस एक्स। ओके, देखिए यहाँ से ये हमारी जो बन गई है। चलो ये वाला, अब ये वाला जो है सिंपली हमने क्या करना है, इससे पहले तो हम तस्वीरों को यहाँ से हाइड कर देते हैं। ठीक है, सो अब इनको पकड़ेंगे, देन जी से निकालेंगे। सिंपल सिंपल है, कोई उसमें इशू कोई हैवी काम नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इधर आएंगे, चेक करेंगे अगेन। ओके, नहीं इसको पकड़ेंगे एकदम आर से। ठीक है, ये देखें ये हम सबडिविजन के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक बताया था कि मॉडल को हमेशा ये जो इसकी आउटलाइन है इससे थोड़ा सा ऊपर ही बनाए। ठीक है, तो आप कोशिश करेगा ऊपर ही बनाए, तो ये समझ लीजिए ऊपर ही बन रहा है। साथ ही बनाएंगे तो कोई मसला नहीं है, तो साथ साथ ही बनाते जाएंगे। तो ओके, देन ई फॉर एक्सट्रूड, एस फॉर स्केल, ई फॉर एक मिनट यहाँ से फ्लैट पे देखना पहले। ये नी थोड़ा सा ऐसे
यार फिर तो क्या अगर थोड़ा सा वेट करेंगे और परफेक्ट ओके देन स्केल की फॉर ग्रैब देन स्केल अपॉजिटेड स्केल डाउन लिफ्ट क्लिक नाइस सी वाई आर जी ओह नाइस परफेक्ट। तो सिंपली क्या करते जाएंगे फाइल को साथ साथ सेव करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा टूल डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे एक लूप कार्ड लगा लेते हैं तो इसकी ये वाली थोड़ी सी उभरी होती है ठीक है। तो अगर तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था नी पे कि आपने इसे ऐसे रोटेट करना है ठीक है, और ट्राइंगल और उसमें ट्राइंगल पर भी तीन लूप कार्ड होने चाहिए ठीक है। हमारे पास यहाँ पे भी 1 2 बना लिया हमने ठीक है, तो हम सिंपली इधर आएंगे ठीक है, फिर आपको रोटेट करना है एस को स्केल कर लेंगे ठीक है। तो यहाँ पे लूप कट लगाएंगे सेम वही एस को डाउन स्केल जो हेल्प जैसे मैंने बताया था, एंड एस को स्केल करेंगे वाई एंगल पे जी टैग तो थोड़ा सा ज्यादा क्लोज हो गया फिर ये कुछ ज्यादा ही छेद रहे थे, तो हम सिंपली ट्राई कर लेंगे ठीक है। देखते हैं हमारा मॉडल यहाँ से ऐसे उभर के नीचे होकर फिर ऐसे आ रहा है ठीक है, यहाँ से उभर के नीचे होकर फिर ऐसे आ रहा है ठीक है हमारा ओके नाइस। तो नाइस 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 ओके सो वेरी गुड सिंपली वाई थोड़ा गौर कर लें, अगर आपको कुछ टेंशन या इशू है तो ठीक है ये ओके दीजिएगा ओके देन कंट्रोल वन एंड नाइस परफेक्ट नाइस गुड ओके। फाइल को साथ साथ सेव करते जाइएगा ओके 1 2 3 बन गए ठीक है। तो बाकी सब डिवीजन लगाएंगे इसके अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग जाएगा ठीक है। तो कुछ जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे लूप कट लगाएंगे, लूप कट लगा लेते हैं एस को स्केल कर लेते हैं जेड एक्सिस से वो लेटर बेट ज्यादा नहीं करना, ज्यादा करेंगे ऊपर से तो सीधा है लेकिन नीचे से खराब हो रहा है ठीक है, तो इस वजह से हम एस स्केल करेंगे जेड एक्सिस से थोड़ा सा ठीक है, देन जी से मूव करेंगे अप की तरफ ठीक है ऊपर की तरफ। तो ये है थोड़ी सी ओके परफेक्टली यहाँ से हमारा यहाँ तक मेरा मॉडल परफेक्ट बन चुका है। तो तस्वीर के हिसाब से देखिए हमारा यहाँ से मॉडल ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है नहीं बड़ा लग रहा है, तो जैसे हम ये तो ठीक है हमारे पास क्यों क्योंकि ये तस्वीर आई थिंक हमने इस तस्वीर के लिहाज से बनाया ना इस वजह से। सो कोई मसला नहीं सिंपल हम इसमें को पकड़ लेते हैं ठीक है। सो आई बॉल को हम छोड़ देते हैं जो पकड़ लेते हैं एस स्केल करेंगे एक्स एक्सिस से जी ग्रैब करेंगे बैक ओके एस वाई थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं जी ग्रैब बैक परफेक्ट नाइस यहाँ तक ठीक हो गया। ओके गुड हो गया गुड हो गया ओके गुड। आई होप आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी होगी, आपने अभी तक यहाँ तक हमारा जितना भी हमने मॉडल बनाया परफेक्टली बना लिया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें जाते जाते और चैनल को जाते जाते ही सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप नए हैं तो, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया तो थैंक यू वेलकम मोस्ट ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अल्लाह हाफिज़ बाय बाय।